समीकरणों को हल कीजिए। साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस थीटा प्लस वन बाई फोर इक्वल टू जीरो, यह हमें एक त्रिकोणमितीय समीकरण दिया गया है। और देखा जाए तो यह एक वर्ग समीकरण के रूप में है, लेकिन ये साइन स्क्वायर थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा है। तो इन दोनों तो इस समीकरण को किसी एक चर के रूप में हम परिवर्तित कर लेते हैं, तो वह आसान होगा कि साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा के पदों में लिख लिया जाए। तो ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू कॉस थीटा प्लस वन बाई फोर इक्वल टू ज़ीरो, चूँकि हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है, ये एक सरसमी का हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ये माइनस टू कॉस थीटा प्लस वन बाई फोर इक्वल टू ज़ीरो। अब हम यहाँ पर इन पूरे पदों का लघुत्तम समापवर्त ले लेते हो तो हमें मिल जाएगा फोर, ये फोर, और फिर ये फोर इंटू वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और फिर ये माइनस टू इंटू फोर करेंगे तो मिल जाएगा एट कॉस थीटा प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। अब आगे इसे पक्षांतर कर देंगे और ये जो ब्रैकेट है इसे हम ओपन कर रहे हैं, तो ये मिल जाएगा फोर माइनस फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एट कॉस थीटा प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो। ये फोर प्लस वन दैट इज़ फाइव, तो यहाँ से मिल जाएगा फाइव माइनस फोर कॉस स्क्वायर थीटा माइनस एट कॉस थीटा इक्वल टू ज़ीरो। ये कॉस थीटा में एक वर्ग समीकरण है, लेकिन प्रथम पद या फिर कॉस का पावर टू वाला जो पद है उसे धनात्मक के रूप में परिवर्तित करने के लिए हम माइनस का गुणा कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एट कॉस थीटा माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। तो अब इसे हम समीकरण एक का नाम दे देते हैं, यह कॉस थीटा में एक वर्ग समीकरण है। सूत्र विधि का उपयोग करके भी आप इसे हल कर सकते हैं, या फिर गुणनखंड अर्थात मध्य पद को तोड़कर आप गुणनखंड कर सकते हैं। तो यदि इसे मध्य पद को तोड़ना हो तो फोर और माइनस फाइव का मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको मिल जाएगा माइनस ट्वेंटी। तो मध्य पद को ऐसे तोड़ना है जिसे जोड़ने या घटाने पर हमें आठ मिलता हो और गुणा करने पर ऋण बीस मिलता हो। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं फोर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टेन कॉस थीटा माइनस टू कॉस थीटा माइनस फाइव इक्वल टू ज़ीरो। तो टेन माइनस टू करेंगे तो मिल जाएगा एट, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे टेन और माइनस टू का तो आपको मिल जाएगा माइनस ट्वेंटी। तो प्रथम दो पदों में हम यहाँ से टू कॉस थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो टू कॉस थीटा को यदि आप कॉमन लें तो यहाँ से आपको मिल जाएगा टू कॉस थीटा प्लस फाइव, और यदि माइनस वन को यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो मिल जाएगा टू कॉस थीटा प्लस फाइव। यदि दोनों पदों पर यहाँ पर समान पद मिल रहे हैं तो ये समझिए कि आपने जो गुणनखंड किया है या मध्य पद को जो तोड़ा है वह सही है, अन्यथा वह गलत है। तो आगे हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा टू कॉस थीटा प्लस फाइव, और ये मिल जाएगा टू कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। दो अलग अलग पदों का गुणनफल शून्य है, तो ये पद भी शून्य के बराबर हो सकता है और ये पद भी शून्य के बराबर हो सकता है। तो आगे यदि इसे हम हल करें तो इसे इस पद को इक्वल टू ज़ीरो से इक्वेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस फाइव बाई टू, लेकिन कॉस थीटा का मान माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाई करता है, और ये इसे आप हल करेंगे तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस टू पॉइंट फाइव मिलेगा। अतः इस हल को हम नहीं लेंगे, हमें इस वाले हल को लेकर के आगे हल करना है। तो आपको मिल जाएगा टू कॉस थीटा माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो, तो आपको मिलेगा यहाँ पर कॉस थीटा इक्वल टू वन बाई टू। तो इसे आप लिख सकते हैं कॉस पाई बाई थ्री रेडियन, और आपको यह पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फा हो तो थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं टू एन पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो इसका इस्तेमाल करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई थ्री वेयर एन बिलोंग्स टू आई। ये इस समीकरण का हल है जो कि हमें ज्ञात करना था। तो इसमें दूसरा प्रश्न दिया गया है साइन स्क्वायर थीटा माइनस
कॉस थीटा इक्वल टू 1/4। इस समीकरण को भी हमें किसी एक चर के समीकरण के रूप में बदलना होगा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा है, इसे हम 1 - cos² θ लिख सकते हैं पूर्व प्रश्न की भांति। तो ये हमें मिल जाएगा 1 - cos² θ - cos θ = 1/4। चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये सर्व समीकरण आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से अब एक काम करते हैं कि ये जो 1/4 है इसमें इसका पक्षांतर कर देते हैं। तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा 4 - 4 cos² θ - 4 cos θ = 1। अब इस पूरे पदों को हम राइट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं और लेफ्ट में लिख लेते हैं, या फिर इस पदों में माइनस का गुणा कर लीजिए और इस एक को लेफ्ट साइड में पक्षांतर कर लीजिए। तो ये आपको मिल जाएगा 4 cos² θ + 4 cos θ। तो 4 - 1 करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3, और चूंकि माइनस का मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसलिए मिल जाएगा -3। तो ये हमें एक वर्ग समीकरण मिल रहा है cos² θ में। तो ये हमें एक वर्ग समीकरण मिल रहा है cos थीटा में, 4 cos² θ + 4 cos θ - 3 = 0। अब फिर से मध्य पद को तोड़कर हम हल कर सकते हैं, या फिर वर्ग समीकरण को हल करने की सूत्र विधि आपको पता है उसका इस्तेमाल करके भी आप इसे हल कर सकते हैं। तो मैं मध्य पद को तोड़ रहा हूँ, 4 cos² θ + 6 cos θ - 2 cos θ - 3 = 0। 6 - 2 करेंगे तो मिल जाएगा 4, 6 और -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा -12। तो चलिए प्रथम दोनों पदों में हम 2 cos θ को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर आएगा 2 cos θ + 3। फिर -1 को यदि कॉमन ले लें तो यहाँ पर आएगा 2 cos θ + 3 = 0। तो यहाँ पर दोनों पदों में समान राशि आ रही, इसका मतलब ये कि हमने जो मध्य पद को दो भागों में तोड़ा था वह सही तोड़ा था। तो आगे ये 2 cos θ + 3 और फिर 2 cos θ - 1 = 0। तो इसे जब आप आगे हल करेंगे, इस पद को यदि 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो मिल जाएगा cos θ = -3/2, और इसको आप जब इक्वेट करेंगे 0 के साथ तो मिल जाएगा cos θ = 1/2। ये इसे हल करने पर -1.5 मिलेगा। तो चूंकि आपको पता है कि cos थीटा जो है ये -1 से +1 के बीच में लाई करता है, अतः संख्यात्मक रूप से यह मान सही नहीं है जो कि समीकरण को संतुष्ट करेगा। इस वजह से हम ये cos θ = 1/2 को लेकर के चलते हैं। तो cos θ = 1/2, ये इक्वल टू है cos π/3 के, और चूंकि आपको पता है कि cos θ = cos α हो तो θ = 2nπ ± α से इसका हल दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे θ = 2nπ ± π/3, वेयर n बिलोंग्स टू i। ये समीकरण का हल है जो हमें ज्ञात करना था। इसमें तीसरा प्रश्न है cos²θ + sin θ = 1। यहाँ पर भी ये cos थीटा और sin थीटा दो अलग अलग पद हैं, इसे हमें एक पद में पहले परिवर्तित कर लेना है। तो cos²θ को मैं लिख रहा हूँ 1 - sin²θ, और फिर ये +sin θ = 1। ये इधर ये 1 और ये 1 कैंसिल हो जाएगा, और फिर आगे हमें मिल रहा है -sin²θ + sin θ, या फिर इसे आप लिख सकते हैं sin²θ - sin θ = 0। यदि इन दोनों पदों से साइन थीटा को कॉमन ले लें तो आपको मिलेगा sin θ - 1 = 0। दोनों अलग अलग पदों का गुणनफल शून्य है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं sin θ = 0, या फिर sin θ - 1 = 0। ये sin θ = 0 है, ये sin 0 डिग्री या फिर 0 रेडियन का मान होता है। इसी तरीके से इसे जब आगे हल करें तो sin θ = 1 मिलेगा, और आपको यह पता है कि ये sin 90 डिग्री या फिर π/2 रेडियन के बराबर होता है। तो जब sin θ = 0 होता है तो इसका सॉल्यूशन हम लिखते हैं θ = nπ, वेयर n बिलोंग्स टू i। ये आपने पहले ही पढ़ रखा है। दूसरा है sin θ = sin α। जब sin θ = sin α हो तो θ = nπ ± 1 n α इसका हल होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे θ = nπ ± 1 n, और अल्फा का मान यहाँ पर है π/2, वेयर n बिलोंग्स टू i।
तो ये दोनों इन समीकरण के व्यापक हल हैं जो हमें ज्ञात करना था। इसमें चौथा प्रश्न है 2 cos² θ = 3 sin θ। पुनः यहाँ पर ध्यान दें कि ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये साइन थीटा है, दोनों अलग अलग पद हैं। इन दोनों को हम साइन थीटा के फॉर्मेट में बदल लेंगे तो ये मिल जाएगा 2 1 - sin² θ = 3 sin θ। चूँकि आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा और ये इसको पक्षांतर कर देंगे तो मिल जाएगा 1 - sin² θ। आगे जब इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2 - 2 sin² θ = 3 sin θ। अब इसे पक्षांतर कर दे तो हमें मिल जाएगा 2 sin² θ + 3 sin θ - 2 = 0। तो अब ये देखिए कि यह जो समीकरण दिख रहा है ये साइन थीटा में एक वर्ग समीकरण है, तो इसे आप सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं और मध्य पद को तोड़कर भी आप इसे हल कर सकते हैं। तो देखिए ये 2 और ये -2 का गुणा करेंगे तो मिल जाएगा -4। मतलब ऐसी संख्या हमें चाहिए जिसको गुणा करने पर -4 मिलता हो लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमें 3 मिलता हो। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 2 sin² θ + 4 sin θ - sin θ और ये -2 = 0। प्रथम दोनों पदों से यदि हम 2 sin θ को कॉमन ले लें तो यहाँ पर आएगा sin θ और फिर ये +2, फिर -1 कॉमन ले लें तो हमें मिलेगा sin θ + 2 = 0। तो ये sin θ + 2 दोनों पदों पर है, इसे उभयनिष्ठ ले लेंगे तो sin θ + 2 और फिर ये 2 sin θ - 1 = 0। इसे जब आप सरल करेंगे तो sin θ = -2। तो चूंकि sin θ का मान -1 से +1 के बीच में होता है और यहाँ पर हमें -2 मिल रहा है, अतः इसको लेकर के आगे हमें नहीं हल करना है। तो दूसरा ये कि 2 sin θ - 1 = 0, इसे यदि हल करें तो आपको मिल जाएगा sin θ = 1/2 और ये होगा sin π/2 रेडियन के बराबर। और चूँकि आपको पता है कि sin θ = यदि sin α हो तो θ = हम लिखते हैं (n π + -1)^(n α) वेयर n बिलोंग्स टू i, ये इसका हल होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं θ = (n π + -1)^(n α), अल्फा मतलब यहाँ पर ये π/2 वेयर n बिलोंग्स टू i। तो ये इस व दिए गए समीकरण का व्यापक हल है θ = (n π + -1)^(n × π/2). sin θ = 1/2, इसे आप लिख सकते हैं sin π/6। तो चूंकि आपको पता है कि sin θ = sin α हो तो θ = होता है (n π + -1)^(n α). इसका उपयोग करके हम लिख सकते हैं θ = (n π + -1)^(n × π/6) वेयर n बिलोंग्स टू i, और ये दिए गए समीकरण का व्यापक हल है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है 2 sin² θ + 3 cos θ = 0। तो यहाँ पर जो समीकरण हम देख रहे हैं ये साइन थीटा और कॉस थीटा में समीकरण है, इसे हम कॉस थीटा के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 × 1 - cos² θ + 3 cos θ = 0। जब आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो मिल जाएगा 2 - 2 cos² θ + 3 cos θ = 0, और आगे जब इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 2 cos² θ। घातों के घटते हुए क्रम में मैं लिख रहा हूँ, तो ये जो पद है इसको मैंने पहले लिख लिया, फिर -3 cos θ और फिर ये -2 = 0। तो ये एक वर्ग समीकरण है, आप मध्य पद को भी तोड़कर हल कर सकते हैं और सूत्र विधि से भी कर सकते हैं। तो मध्य पद को तोड़कर मैं हल कर रहा हूँ, 2 cos² θ - 4 cos θ + cos θ और ये -2 = 0। प्रथम दोनों पदों में यदि हम 2 cos θ को कॉमन लें तो यहाँ पर आएगा cos θ और फिर ये -2, फिर +1 cos θ - 2। दोनों पदों में cos θ - 2 कॉमन है तो इसे हम लिख सकते हैं cos θ - 2 और फिर ये 2 cos θ और ये +1 = 0। इसे दो अलग अलग पदों का गुणनफल 0 है तो इन ये अलग अलग भी 0 के बराबर होगा, तो cos θ - 2 = 0, तो आपको मिल जाएगा cos θ = 2। तो यह मान हम नहीं लेंगे क्योंकि cos θ का मान -1 से +1 के बीच में ही होता है, तो cos θ का मान कभी भी 2 प्राप्त नहीं होगा, तो इस वजह से इसका उपयोग हम नहीं करेंगे। दूसरा है 2 cos θ + 1 = 0। इसे जब आप सरल करेंगे
तो आपको मिल जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई टू। तो इसे आप लिख सकते हैं टू पाई बाई थ्री, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस वन बाई टू इक्वल टू कॉस टू पाई बाई थ्री। तो चूंकि आपको पता है कि कॉस थीटा इक्वल टू कॉस अल्फ़ा हो, तो थीटा इक्वल टू हम लिखते हैं टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा। तो इसका उपयोग करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू टू एन पाई प्लस माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा मतलब ये टू पाई बाई थ्री, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो ये इस दिए गए वर्ग समीकरण का व्यापक हल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। यहाँ पर प्रश्न दिया गया है टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो ये जो समीकरण है ये साइन थीटा में एक वर्ग समीकरण है, इसे किसी भी रूप में परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। तो इसके मध्य पद को तोड़कर समीकरण को हल करेंगे, टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा माइनस वन, इस तरीके से इस मध्य पद को तोड़ सकते हैं। प्रथम दोनों पदों में टू साइन थीटा को यदि हम कॉमन लें तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा प्लस वन, और अंतिम दोनों पदों में यदि माइनस वन को कॉमन लें तो साइन थीटा प्लस वन ये आएगा। साइन थीटा प्लस वन दोनों पदों पर है, उभयनिष्ठ ले लीजिए। तो अगला पद होगा टू साइन थीटा, ये वाला पद, और ये माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। इसे जब हल करेंगे तो साइन थीटा प्लस वन इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा, या फिर टू साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा। चलिए पहले इसको हम सरल कर लेते हैं, साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन। तो साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन, इस तरीके के जो प्रश्न हैं वो हम पहले हल कर चुके हैं, जहाँ पर हमें मुख्य मान निकाला था। तो जब इसे आप हल करेंगे तो इसका मान जो है वो तृतीय चतुर्थांश पर आएगा, साइन थीटा इक्वल टू माइनस वन इक्वल टू साइन थ्री पाई बाई टू। ये कैसे निकालते हैं इसके पहले हम देख चुके हैं। चूंकि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो, तो हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन इन टू अल्फ़ा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन, और अल्फ़ा का मान है थ्री पाई बाई टू, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो ये एक व्यापक हल है जो इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट करता है। अब देखते हैं ये दूसरा, यहाँ पर आगे आप हल करेंगे तो मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू। साइन थीटा इक्वल टू वन बाई टू, ये है साइन पाई बाई सिक्स। अब पुनः साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फ़ा इसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फ़ा, अल्फ़ा अर्थात पाई बाई सिक्स, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो ये भी एक व्यापक हल है जो इस दिए गए समीकरण को संतुष्ट करेगा। अगले प्रश्न में चलते हैं। ये है टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस थ्री साइन थीटा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। ये कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा में पहले परिवर्तित कर लेते हैं, चूँकि यह समीकरण किसी एक चर का वर्ग समीकरण होना चाहिए। तो ये टू इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसा लिख सकते हैं, प्लस थ्री साइन थीटा माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। आगे जब आप सरल करेंगे तो मिल जाएगा टू माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस थ्री साइन थीटा माइनस थ्री इक्वल टू ज़ीरो। अब ये टू माइनस थ्री करेंगे तो मिल जाएगा माइनस वन, फिर ये माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और फिर ये प्लस थ्री साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो ये समीकरण साइन थीटा में एक वर्ग समीकरण है, इसे साइन थीटा के घातों के घटते हुए क्रम में लिखेंगे और ऋण चिन्ह का गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस थ्री साइन थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब इसे आप सूत्र विधि से भी हल कर सकते हैं और मध्य पद को तोड़कर भी हल कर सकते हैं। तो मैं मध्य पद को तोड़कर इसे हल कर रहा हूँ, टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस टू साइन थीटा माइनस साइन थीटा प्लस वन इक्वल टू जीरो। प्रथम दोनों पदों से आप टू साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर आएगा साइन थीटा माइनस वन, और फिर अंत के दोनों पदों से यदि हम माइनस कॉमन लें तो यहाँ पर आएगा साइन थीटा माइनस वन, और ये इक्वल टू ज़ीरो। दोनों पदों पर साइन थीटा माइनस वन है, इसे उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं तो ये टू साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। दोनों अलग अलग पदों का गुणनफल शून्य है तो दोनों पद अलग अलग भी शून्य हो सकते हैं।
तो साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू वन, और ये साइन पाई बाई टू के बराबर होता है। तो चूंकि आपने पहले ही पढ़ रखा है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा हो, तो थीटा इक्वल टू हमें मिलता है एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन इंटू अल्फ़ा, तो इसका हम उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फ़ा, यहाँ पर है पाई बाई टू, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो ये एक व्यापक हल है इस दिए गए वर्ग समीकरण का। और दूसरा हल हम निकालेंगे इस वाले पद से, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टू साइन थीटा माइनस वन इक्वल टू जीरो, सरल करेंगे तो मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन टू, और ये होता है साइन पाई बाई सिक्स। यहाँ पर भी साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा है, तो थीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फ़ा, अल्फ़ा यहाँ पर है पाई बाई सिक्स, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो ये भी एक व्यापक हल है इस दिए गए वर्ग समीकरण का, जो हमें ज्ञात करना था। तो अगला प्रश्न जिसमें हमें व्यापक हल ज्ञात करना है, ये दिया गया है टू रूट थ्री इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। तो इस तरीके के प्रश्न हम पहले भी देख चुके हैं। इस प्रश्न को भी हमें किसी एक चर के समीकरण में बदलना होगा, जैसे कि यहाँ पर कॉस थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा है। तो ये बड़ा आसान होगा कि कॉस थीटा को हम साइन में बदल लें। तो इसे मैं लिख रहा हूँ टू इंटू रूट थ्री, और ये वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। आगे हल करने के लिए इसे आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, टू रूट थ्री इंटू वन टू रूट थ्री, फिर टू रूट थ्री इंटू साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन थीटा। पूरे पदों को हम एक तरफ ले आते हैं, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये टू रूट थ्री साइन स्क्वायर थीटा, इसको राइट हैंड साइड पे और इसको भी राइट हैंड साइड पर ले जा रहा हूँ, ये टू रूट थ्री साइन स्क्वायर थीटा, फिर प्लस साइन थीटा, और फिर ये माइनस टू रूट थ्री इक्वल टू ज़ीरो मिलेगा। समीकरण को हम साइन थीटा के घातों के घटते हुए क्रम में लिख रहे हैं। तो देखिए कि यह एक साइन थीटा में वर्ग समीकरण है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। तो इस प्रकार के जो समीकरण है, इसे आप दो अलग अलग विधियों से हल कर सकते हैं। पहला है गुणनखंड विधि, जिसमें आप मध्य पद को तोड़कर दो भागों में बांटते हैं और फिर उसमें से उभयनिष्ठ निकालते हैं। दूसरा है सूत्र विधि, तो आप जिस विधि का उपयोग करना चाहें आप उस तरीके से हल कर सकते हैं। तो मैं इस मध्य पद को कुछ इस तरीके से तोड़ रहा हूँ, टू रूट थ्री साइन स्क्वायर थीटा प्लस फोर साइन थीटा माइनस थ्री साइन थीटा, और फिर ये माइनस टू रूट थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो प्रथम दोनों पदों में आप टू साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं। टू साइन थीटा जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा रूट थ्री साइन थीटा, और फिर ये प्लस टू। और अंतिम दो पदों में यदि आप रूट थ्री को कॉमन लें तो यहाँ पर आएगा रूट थ्री साइन थीटा, और ये प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ पर देखिए इन दोनों पदों पर जो पद है ये समान है, तो इस तरीके से हमने जो गुणनखंड किया है या मध्य पद को जो तोड़ा है वो सही तोड़ा है। अब आगे रूट थ्री साइन थीटा प्लस टू ये दोनों पदों पर है, इसे हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो आगे आएगा टू साइन थीटा, और ये माइनस रूट थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो पहले इस पद को लेकर चलते हैं, रूट थ्री साइन थीटा प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो, तो यहाँ से आपको मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस टू अपॉन रूट थ्री। चूँकि साइन थीटा का मान माइनस वन से प्लस वन के बीच में होता है, और यदि इसे आप हल करें तो आपको मिलेगा साइन थीटा इक्वल टू माइनस टू अपॉन 1.70 समथिंग आएगा, और जब इसे आप और आगे हल करेंगे तो ये मिल जाएगा आपको माइनस 1.15 या फिर 16। तो चूँकि साइन थीटा का मान माइनस वन से प्लस वन के बीच में लाई करता है, और यहाँ पर जो हमें मान मिल रहा है ये लगभग माइनस 1.15 के आसपास मिल रहा है, तो इस मान को हम नहीं लेकर के चलेंगे, चूँकि साइन थीटा का मान ये नहीं हो सकता है। तो अब इसमें जो दूसरा पक्ष है इसे लेकर के चलते हैं, टू साइन थीटा माइनस रूट थ्री इक्वल टू ज़ीरो, और इसे जब आप आगे सरल करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू रूट थ्री अपॉन टू
ये साइन पाई बाई थ्री का मान है, तो इसे आप लिखेंगे साइन पाई बाई थ्री। और चूंकि आपको पता है कि साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा हो, तो आप इसका हल लिखते हैं थीटा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। ये इसका हल इस तरीके से दिया जाता है। तो यहाँ पर इसका हल हमें मिल जाएगा थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फा, अल्फा का मान यहाँ पर है पाई बाई थ्री, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो ये थीटा का व्यापक हल है जो हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न नाइन्थ इसमें दिया हुआ है, टू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस रूट टू साइन थीटा इक्वल टू टू। यहाँ पर भी जो समीकरण है ये दो अलग अलग चरों में या फिर दो अलग अलग त्रिकोणमिति फलनों में यह समीकरण है, तो कॉस थीटा को हम साइन में परिवर्तित कर लेते हैं। तो ये इसे हम लिख सकते हैं टू इंटू वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट टू साइन थीटा, और ये इक्वल टू टू। आगे जब इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा टू माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट टू साइन थीटा इक्वल टू टू। तो ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली यहाँ पर हमें मिलेगा माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट टू साइन थीटा, और ये इक्वल टू ज़ीरो। तो माइनस का यदि हम गुणा कर दें तो हमें मिलेगा टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस रूट टू साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो। तो दोनों पदों में हम रूट टू साइन थीटा को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा रूट टू साइन थीटा और फिर ये माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो दो पदों का गुणनफल शून्य है, तो यहाँ से हम पहले पद को शून्य के बराबर कर सकते हैं या फिर दूसरे पद को भी हम शून्य के बराबर कर सकते हैं। इसे जब हल करेंगे तो आपको मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू ज़ीरो। साइन थीटा इक्वल टू जब ज़ीरो होता है तो हम लिखते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई। तो यहाँ से आपको मिल रहा है हल थीटा इक्वल टू एन पाई, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। ये एक हल। अब दूसरा, ये जो रूट टू साइन थीटा माइनस वन को जब आगे हल करेंगे तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल टू वन अपॉन रूट टू। तो वन अपॉन रूट टू साइन 45 का मान होता है, तो इसे आप लिख सकते हैं साइन पाई बाई फोर। अब जब साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फ़ा होता है तो आप लिखते हैं कि थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फ़ा, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। ये इसका हल होता है। तो साइन थीटा इक्वल टू साइन पाई बाई फोर है, अर्थात अल्फ़ा के स्थान पर यहाँ पर पाई बाई फोर है। तो इसका जो जनरल सॉल्यूशन या व्यापक हल है उसे हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस वन का पावर एन अल्फ़ा, अल्फ़ा का मान है पाई बाई फोर, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो यह व्यापक हल है जो कि हमें ज्ञात करना था। अगला प्रश्न है टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन प्लस रूट थ्री इंटू टेन थीटा प्लस रूट थ्री इक्वल टू ज़ीरो। यह समीकरण दिया गया है और इसका हमें व्यापक हल ज्ञात करना है। तो पहले इसे हल करने के लिए हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। तो ये आगे मिलेगा टेन स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा माइनस रूट थ्री टेन थीटा प्लस रूट थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो देखिए कि यहाँ पर हमें और मध्य पद को तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन प्रथम दोनों पदों और अंतिम दोनों पदों से हमें गुणनखंड के रूप में कुछ प्राप्त हो सकता है। तो प्रथम दोनों पदों में यदि हम टेन थीटा को कॉमन लें तो हमें मिलेगा टेन थीटा माइनस वन, और अंतिम दोनों पदों में यदि आप रूट थ्री को कॉमन लें तो यहाँ पर आपको मिलेगा टेन थीटा माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो। तो टेन थीटा माइनस वन दोनों पदों पर हैं, इसे कॉमन लेंगे तो ये आगे ब्रैकेट में आएगा टेन थीटा और ये माइनस रूट थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो दो अलग अलग पदों का गुणनफल शून्य है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि टेन थीटा माइनस वन इक्वल टू ज़ीरो या फिर टेन थीटा माइनस रूट थ्री इक्वल टू ज़ीरो। तो इसे यदि हम हल करें तो यहाँ से मिलेगा टेन थीटा इक्वल टू वन, और ये टेन पाई बाई फोर का मान होता है। तो आपको यह पता है कि जब टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा होता है तो उसका सॉल्यूशन लिखा जाता है थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा। तो इसका हम उपयोग करके लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा का मान है पाई बाई फोर, वेयर एन बिलोंग्स टू आई। तो ये एक व्यापक हल प्राप्त हुआ।
अब इस पद को लेकर के चलते हैं, टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री मिल जाएगा यहाँ से हमें, और टेन थीटा इक्वल टू रूट थ्री इसका मतलब ये है कि ये टेन पाई बाई थ्री का मान है। यहाँ पर भी हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फ़ा हो तो थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा इसका सॉल्यूशन होता है। तो यहाँ से हम लिखेंगे थीटा इक्वल टू एन पाई प्लस अल्फ़ा का मान है पाई बाई थ्री और एन बिलोंग्स टू आई। तो ये हमें दो व्यापक हल प्राप्त हुआ जो कि हमें ज्ञात करना था।